नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं केआरटी न्यूज के साथ और मैं प्रिया राजपूत। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जायजा लेने के लिए लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की एक इंच जमीन को कोई नहीं ले सकता है। भारत सेना के ऊपर हमें नाज है, मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे जवानों ने जो शहादत दी है इसका गम 130 करोड़ भारतवासियों को भी है। ले के लकुंग चौकी पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ भी जो अब तक बातचीत हुई है उसकी प्रगति अगर आपको बता दें कि मामला हल होना ही चाहिए, कहां तक होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन मैं जरूर दिलाना चाहता हूं कि भारत की एक इंच जमीन को दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती है और ना ही कब्जा कर सकती है। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया और ना ही किसी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। भारत ने सदैव वसुदेव कुटुम्बकम का संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अशांति नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हमारा चित्र रहा है कि हमने किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश नहीं की है। भारत के स्वाभिमान पर यदि चोट पहुंचाने की कोई कोशिश भी करेगा तो भारत किसी भी सूरत पे उसपे बर्दाश्त नहीं करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सेना के ऊपर हमें नाज है, मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे जवानों ने जो शहादत दी है इसका गम 130 करोड़ भारतवासियों को भी है। भारत का नेतृत्व सशक्त है, हमें फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री मिले।